हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं मोलारिटी एंड मोलालिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, मैंने उनको आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए थे। तो आज हम पढ़ेंगे बाकी की बची हुई कंसंट्रेशन टर्म्स। तो पहली है परसेंट कैलकुलेशन, दूसरी होगी आपकी मोल फ्रैक्शन एंड तीसरी होगी PPN एंड PPV, ठीक है। और साथ में हम करेंगे इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं परसेंट कैलकुलेशन। तो आपको ध्यान रखना है, जहाँ भी परसेंट की बात आ जाए ना, परसेंट की बात, आपको हमेशा किसके रेस्पेक्ट में काम करना है, 100 के रेस्पेक्ट में काम करना है। जैसे आपने अपनी परसेंट भी देखी होगी, आपकी परसेंट आती होगी क्लास में, तो आप भी किसके रेस्पेक्ट में आते हैं, वो 100 के रेस्पेक्ट में आती है ना आपकी, कि 100% में से आपकी 90% आएँ या 95% आएँ, तो 100 के रेस्पेक्ट में आते हैं। तो जहाँ भी परसेंट आ जाए, वहाँ आपको किसके रेस्पेक्ट में काम करना है, 100 के रेस्पेक्ट में काम करना है, ठीक है। तो इसमें हम टीम तीन टाइप्स पढ़ेंगे। पहला परसेंट WW, इसको अपन परसेंट वेट बाई वेट भी बोल सकते हैं, या परसेंट मास बाई मास भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, परसेंट मास बाई मास या परसेंट वेट बाई वेट, ठीक है, कुछ भी बोल लो, या वेट बाई वेट। दूसरा हो जाएगा आपका परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, बोल लो इसको परसेंट वेट बाई वॉल्यूम या परसेंट मास बाई वॉल्यूम, ठीक है, ये सारे परसेंट हैं, ठीक है, परसेंट, ओके। एंड इसको परसेंट बी बाई भी, इसको क्या बोलेंगे अपन, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ठीक है, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो स्टार्ट करते हैं हम वन बाई वन, सबको स्टार्ट करते हैं परसेंट WW से, ठीक है। तो बेसिकली परसेंट WW क्या होता है, ये आपका होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, किसका वेट, सॉल्यूट का वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन, किसका सॉफ्ट वेट, सॉल्यूशन का वेट, मल्टीप्लाई बाई 100, किसके रेस्पेक्ट में काम करना है, 100 के रेस्पेक्ट में काम करना है। ध्यान रखना है क्या, वेट किसका, सॉल्यूट का, और वेट ही किसका, सॉल्यूशन का, हमेशा किसका वेट लेना है, सॉल्यूशन का, और वेट किसका लेना है, यहाँ सॉल्यूट का, ठीक है। जैसे अगर आपको 30% WW लिखा हुआ है, तो आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए। आप जैसे फॉर्मूला लगा के आप परसेंट WW तो निकाल सकते हो, लेकिन 30% WW लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। क्यों, जैसे काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन देखा देता है वो जेई मेंस में या नीट में भी, तो वो क्या करता है 30% WW लिख देता है। तो आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि क्या है, क्यों, अगर आपको ये ऐसे लिख के दे देगा और आपसे वो दूसरी टर्म्स निकलवा सकता है, तो 30% WW को क्या लिखो, आप सबसे पहले क्या लिख लो, 30 डिवाइड बाई 100 इंटू 100। तो यहाँ ये जो 30 होगा, ये क्या होगा आपका, वेट ऑफ सॉल्यूट होगा, क्या होगा, ये आपका वेट ऑफ सॉल्यूट, ये 100 ग्राम क्या होगा, ये वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, ये वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये देखो, आप कैलकुलेट करके भी देखोगे इसको, तो ये क्या आएगा आपका 30% ही आएगा। तो 30% का मतलब क्या हो गया कि आपका जो सॉल्यूट है वो कितना है, 30 ग्राम है, और जो आपका सॉल्यूशन है वो कितना है आपका, 100 ग्राम है। तो आप उसमें सॉल्वेंट बता सकते हो कितना होगा, 70 ग्राम। तो आपको ये तीनों चीज़ें पता चल गई हैं, सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, सॉल्यूशन कितना है। तो आप अब इससे कोई सी भी टर्म्स निकलवा सकते हो, आप परसेंट WW निकाल लो या मोलरिटी निकाल दो या मोलालिटी निकाल दो, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड परसेंट WW कैलकुलेशन फॉर 5 MnaOH सॉल्यूशन, 5 मोलल, इसका मतलब क्या होता है, एम का मतलब मोलल, और मैंने इसका मतलब भी बताया था, जहाँ आपको एम लिखा हुआ है उसकी जगह क्या लिख लो, मोल पर केजी, जब मोल किसके होते हैं, ये सॉल्यूट के, और केजी किसका होता है, ये वेट होता है किसका, सॉल्वेंट का। तो 5 MnaOH का मतलब क्या हो गया, 5 मोल पर केजी। तो यहाँ सॉल्यूट क्या हो जाएगा आपका, मैंने बोला था जिसका सॉल्यूशन दिया होता है वो सॉल्यूट की तरह काम करता है, और अगर आपको कोई भी सॉल्वेंट नहीं दिया है तो क्या करो, वाटर को मान लो, क्यों, वाटर क्या है आपका, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है। तो आपका सॉल्यूट क्या हो गया आपका, NaOH सॉल्यूट हो गया, सॉल्वेंट क्या हो गया आपका, वाटर। आपको क्या हो गया कि सॉल्यूट कितना मिल गया, 5 मोल, 5 मोल, इनको अपन ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको पता है ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाई मोलर मास कितना हो गया, ये 200 ग्राम, ठीक है। अब ये केजी, मोलल में क्या, मोलालिटी में क्या आता है आपका, क्या आता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया हुआ है, मोलालिटी में क्या आता है, ये नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा आपका, 1 kg, मतलब 1000 ग्राम, ठीक है। तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा आपका, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो 200 ग्राम प्लस 1000 ग्राम कितना हो गया आपका, 1200 ग्राम क्या हो गया आपका, सॉल्यूशन हो गया है। आपको क्या निकालना है, परसेंट WW, क्या फार्मूला होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100, तो 200 ग्राम डिवाइड बाई 1200 ग्राम
इंटू 100 कितना आ गया 16.66 ग्राम। इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन में ना आपका सॉल्यूट कितना परसेंट है, यही तो बता रहा है आपका कि आपका सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना परसेंट है। तो आप कैसे बताओगे, सॉल्यूट का मास डिवाइड बाई टोटल मास इंटू 100, तो ऐसे ही तो निकाल दो। जैसे आपको अगर परसेंट निकालने को बोल दे कि जैसे आपकी क्लास में दो लड़के हैं और पांच लड़कियां हैं, तो आप उन दो लड़कों का परसेंट निकालो, तो कैसे निकालोगे, 2/7 × 100 ऐसे ही तो निकालोगे। तो ऐसे ही यहाँ आपको क्या निकालना है, परसेंट निकालना है। या किसके रेस्पेक्ट में काम कर लिया अपन ने, 100 के रेस्पेक्ट में काम कर लिया, ठीक है, क्लियर। आगे चलें, अब पढ़ते हैं अपन परसेंट डब्ल्यू बाई बी, मतलब परसेंट वेट बाई वॉल्यूम या परसेंट मास बाई वॉल्यूम। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100, मतलब 100 के रेस्पेक्ट में अपन काम कर रहे हैं। जैसे आपको अगर 30% डब्ल्यू बाई वी लिखा हुआ है, 30% डब्ल्यू बाई वी लिखा हुआ है, तो क्या करो आप इजी करने के लिए इसको ऐसे लिख लो, 30/100 × 100, ठीक है। तो ये आपका जो 30 ग्राम है ये क्या हो जाएगा आपका, ये वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, 100 ml क्या हो जाएगा, ये आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपसे यहाँ पूछे सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूशन कितना है, तो सॉल्यूट तो हो गया आपका 30 ग्राम, सॉल्यूशन कितना हो गया 100 ml। अगर आपको सॉल्वेंट निकालना है सॉल्वेंट कितना होगा, तो यहाँ आपको डेंसिटी दी गई होगी, क्या दी गई होगी, डेंसिटी दी गई होगी। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर ml। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर आपको सॉल्वेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, वो 100 × d − 30 ग्राम, यही तो हो जाएगा आपका। तो आप ऐसे निकाल सकते हो, अगर आपको सॉल्वेंट निकलवा रहा होगा तो वो आपको डेंसिटी दी गई होगी, ठीक है। अब जैसे इसका क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड परसेंट डब्ल्यू बाई वी कैलकुलेशन फोर 5 mNaOH सॉल्यूशन। ये क्या है, m मोलर, क्या ये मोलर, मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया हुआ है मोलर को क्या लिख सकते हैं अपन, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो 5 mNaOH इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 5 mol/L NaOH। तो आपका सॉल्यूट क्या हो गया, NaOH हो गया, सॉल्यूट तो क्या हो गया आपका, NaOH हो गया। आपको कोई सॉल्वेंट नहीं दिया तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा आपका, H2O, H2O आपको सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो जो सॉल्यूट है वो कितना हो गया आपका, 5 mol हो गया। इसको अपन ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किससे, मल्टीप्लाई बाई मोलर मास, तो कितना आ जाएगा 200 ग्राम। सॉल्यूशन कितना हो गया, 1 L, मतलब 1000 ml आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। आपको परसेंट डब्ल्यू आई वी का फॉर्मूला पता है क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो आपने वेट रख दिया, कितना आया वेट, 200 ग्राम, वॉल्यूम कितना आया 100 ml इंटू 100 बाई, तो आपका यह आ गया 20%। अगर आपको यहाँ ये परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू निकलवा रहा होता, क्या निकलवा रहा होता, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू निकलवा रहा होता, आपके पास क्या है वॉल्यूम है, तो आपको यहाँ डेंसिटी दी गई होती, क्या दी गई होती, डेंसिटी दी गई होती, ठीक है। तो आप डेंसिटी से ही निकाल सकते हो, कैसे निकलेगा, आप वेट निकाल सकते हो इसका ग्राम में, कैसे निकालोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आप ऐसे परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं अपन दो टर्म्स हैं, PPN एंड PPV, ठीक है। अब पर बी बाई वी होता है परसेंट बी बाई वी, वो आपका परसेंट वेट बाई वेट की तरह ही सेम है, तो अपन उसको नहीं पढ़ेंगे। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम सॉल्यूट का रखना है, वॉल्यूम किसका रखना है, सॉल्यूशन का रखना है, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं PPM, पार्ट्स पर मिलियन। तो ये डब्ल्यू बाई डब्ल्यू भी हो सकता है और डब्ल्यू बाई बी भी हो सकता है। बेसिकली जो यूज होता है वो क्या होता है आपका, परसेंट डब्ल्यू बाई वी होता है। क्यों डब्ल्यू बाई वी क्या होता है, जैसे आप बात करते हो किसकी सॉल्यूट के सॉल्वेंट लेते हैं, क्या होता है ये बेसिकली, ये तो डायलूट सॉल्यूशन होता है। जैसे मिलियन लिखा हुआ है, मिलियन का मतलब क्या होता है आपका, लैक्स। मिलियन का मतलब क्या होता है, लैक्स, मतलब 10^6, 10 lakhs होता है, सॉरी 10 lakhs, 10^6। ये बहुत डायलूट सॉल्यूशन होता है, और डायलूट सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जिनमें जो सॉल्यूट होता है वो किसके कंपैरिजन में, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या हो, बहुत कम हो, उनको अपन क्या बोलते हैं, डायलूट सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये PPN एंड PPV क्या है, अपने एक डायलूट सॉल्यूशन है। तो PPM का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10^6। तो बेसिकली अपन यही यूज करते हैं डब्ल्यू बाई डब्ल्यू वाला। अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है तो वहाँ आपको डेंसिटी दी गई होगी, और डेंसिटी से आप क्या कर लो, उसको वेट में चेंज कर लो। जैसे मैं आपको आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, वहाँ भी आपका एक PPM का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और PPM ये डब्ल्यू बाई वी की टर्म्स होती है, ये बेसिकली डिफाइन कर दिया, लेकिन जैसे जो टर्म्स नॉर्मली यूज की जाती है वो कौन सी यूज की जाती है, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। ये क्या होता है, PPM डब्ल्यू बाई वी हो तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10^6। अब हम जानते हैं जो वाटर की डेंसिटी होती है वो क्या होती है, 1 g/ml होती है। जो वाटर की डेंसिटी होती है नॉर्मली वो क्या होती है आपकी, 1 g/ml होती है नॉर्मली, ठीक है। तो अपन देखते हैं, अगर आपको 10 PPM लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 10 PPM, इसका मतलब क्या आप समझो, 10 PPM का मतलब कि जो आपका सॉल्यूट है वो क्या है आपका, 10 g है। सॉल्यूट कितना है आपका, 10 g है। सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 10^6 g क्या हो जाएगा आपका, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप बताओ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 10^6 - 10,
अब बताओ 10 लैक्स का आ गया, अपन 10 को नेग्लिजिबल कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं, तो इसको अप्रोक्स क्या मान सकते हैं, 0 ही मान सकते हैं कि 10 लैक्स में से 10 गए तो नेग्लिजिबल ही तो है ये, तो ये कितना हो गया 10 की पावर 6 ग्राम ही हो गया। और डेंसिटी अगर 1 ग्राम हो तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, 10 की पावर 6 × 1, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 6 ml। और ऐसे ही इधर भी अपन ने सेम ही किया है, तो अपन बोल सकते हैं ना कि 10 ppm W/W बराबर ppm W/V। कब बोलेंगे ये, जब आपकी डेंसिटी क्या हो, आपकी 1 हो, आपकी डेंसिटी क्या हो, आपकी 1 हो। अगर डेंसिटी में थोड़ा चेंज है तो ये बराबर नहीं होंगे, ठीक है? तो बेसिकली अपन जो यूज करते हैं वो क्या होता है, ppm W/W। तो कंसंट्रेशन ऑफ Ca+2, क्वेश्चन है ये आपका, देखो कंसंट्रेशन ऑफ Ca+2 इन 1 लीटर वाटर, वाटर का वॉल्यूम दे दिया 1 लीटर, इज 20 ppm। आपको कंसंट्रेशन भी दे दी 20 ppm। फाइंड करनी है आपको इट्स मोलरिटी एंड इट्स मोलरिटी, ठीक है? तो बेसिकली मैंने आपको बताया भी था डायलूट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, मोलरिटी एंड मोलरिटी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों, जो अपन जो वाटर की डेंसिटी है वो क्या ले लेते हैं अपन, 1 होती है अप्रोक्स, 1 ही लेते हैं अपन, 1 ग्राम पर ml जो वाटर की डेंसिटी होती है। अगर डेंसिटी में डिफरेंट है तो ये अलग अलग भी हो सकते हैं, बट बेसिकली जो अपन सॉल्वेंट यूज करते हैं वो वाटर ही यूज करते हैं, इसलिए अपन क्या मान लेते हैं कि जो आपकी मोलरिटी एंड मोलरिटी डायलूट सॉल्यूशन के लिए बराबर मान लेते हैं। तो सॉल्यूट कितना हो गया आपका, 20 ppm। मैंने बताया था 20 ppm का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट हो गया आपका 20 ग्राम, एंड सॉल्वेंट कितना हो, सॉल्यूशन कितना हो जाएगा आपका, 10 की पावर 6 ml या 10 की पावर 6 ग्राम, कुछ भी लिख लो, 10 की पावर 6 ग्राम लिख लो। तो आपका सॉल्वेंट भी कितना हो जाएगा, अपन क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल कर सकते हैं सॉल्यूट के अमाउंट को फॉर डायलूट सॉल्यूशन, तो ये कितना हो गया 10 की पावर 6 ग्राम। तो आपने सबसे पहले मोल निकाल लिया किसके, सॉल्यूट के। सॉल्यूट क्या दिया हुआ है, Ca+2 दिया हुआ है, इसका कितना मोलर मास होता है 40, तो मोल आ गया आपके 1/2 मोल। तो आपको क्या निकालनी है, मोलैलिटी निकालनी है, और इधर क्या निकालनी है आपको, मोलरिटी निकालनी है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में फॉर्मूला बता चुका हूँ इनका, मोलरिटी एंड मोलरिटी निकालने का। तो क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000। क्यों, जब अगर ये ग्राम में हो, ये किस में हो, ग्राम में हो, तो यहाँ किस में, ये 10 की पावर 6 ग्राम है तो ग्राम में, तो आपकी जो मोलरिटी आ गई वो कितनी आ गई, 5 × 10 की पावर -4 mol/kg। और आपको अगर मोलरिटी निकालनी है तो क्या हो जाएगा, वो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर किसमें दिया हुआ है ml में, तो किससे कर देंगे अपन मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 × 10 की पावर -4 mol/L आएगा इसमें, मोल पर लीटर। तो आप देख रहे हो डायलूट सॉल्यूशन के लिए जो मोलरिटी है वो किसके बराबर है, मोलरिटी के बराबर है। क्यों, अगर आपकी डेंसिटी क्या है, 1 ग्राम पर ml है, डेंसिटी में अगर चेंज है तो ये बॉल क्या हो सकते हैं, वैल्यू चेंज हो सकती है, आपको तो कंसेप्ट से चलना है, ठीक है? आगे चलते हैं ppb। ppb क्या होता है, ppm की तरह ही सेम हो सकता होता है, लेकिन क्या होता है, यहाँ चेंज हो जाता है, यहाँ कितना आ जाता है, 10 की पावर 9 आ जाता है, जो बिलियन होता है ये क्या होता है, ये 10 की पावर 9 होता है, तो यहाँ 10 की पावर 9 आ गया, तो ये आपका ppm की तरह ही है, सिर्फ क्या चेंज कर देना है, वहाँ 10 की पावर 6 था, यहाँ 10 की पावर 9 है, ठीक है? आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग x% W/W। क्या बोल दिया, मैंने बोला था ना कि आपको इस तरीके से दिया गया, आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि x% W/W का मतलब क्या है, एंड डेंसिटी दे दी आपको D g/ml। तो आपको क्या पूछ रहा है, मोलरिटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपको, मोलरिटी पूछ रहा है। तो x% W/W मैंने क्या बोला था, सबसे पहले इसको सिंपलीफाई लैंग्वेज में लिख लो, x/100 × 100, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो x क्या हो जाएगा आपको, ये तो हो जाएगा आपका वेट ऑफ सॉल्यूट, 100 क्या हो जाएगा आपका, ये वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूट कितना आ गया आपको x ग्राम, सॉल्यूशन कितना आ गया आपको 100 ग्राम, और डेंसिटी दी गई है, तो आप डेंसिटी के साथ वॉल्यूम निकाल सकते हो। क्या डेंसिटी बराबर क्या होता है आपका, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना है तो क्या करो, मास को किससे डिवाइड कर दो, डेंसिटी से, तो अपन क्या कर दिया, 100 बाई डेंसिटी, ये आपको क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया किसका, सॉल्यूशन का। तो पहले क्या करो, मोलरिटी के लिए क्या चाहिए होता है आपको, मोल चाहिए होते हैं किसके, सॉल्यूट के, तो मोल निकालो, एक्स कितना दिया हुआ मोलिकुलर वेट mw, x/mw, ठीक है, इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 100 बाई डी ml, ml में दिया होता है तो क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं उसको लीटर में चेंज करने के लिए, तो आपको ये आ गया। इसको वो करें सिंप्लीफाई तो क्या आ रहा है, x × D × 10 / मोलिकुलर वेट, ठीक है? तो ये x बेसिकली है क्या, ये % W/W ही तो है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, % W/W × D × 10 / mw। तो ये क्या हो गया आपका, मोलरिटी का फॉर्मूला हो गया है। अगर आपको मोलरिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना है तो आप इससे भी कर सकते हो, बट बेसिकली मैं तो यही आपको एडवाइस करूंगा कि आप क्या करो, कंसेप्ट वाइज चलो,
जितने आप कंसेप्ट वाइज चलोगे तो आप वही कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको वो कितना भी ट्रिकी क्वेश्चन दे दे आप उसको इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट के थ्रू ही चलना है, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे अपन ने क्या ले लिया, सॉल्यूट ले लिया और क्या ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया, सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन बेसिकली मोल फ्रैक्शन में काम क्या करते हैं, जैसे परसेंट में अपन किसके रेस्पेक्ट में काम कर रहे थे, 100 के रेस्पेक्ट में काम कर रहे थे, या किसके रेस्पेक्ट में काम करते हैं, या विथ रेस्पेक्ट टू 1। आपको 1 के रेस्पेक्ट में काम करना है, किसके रेस्पेक्ट में काम करना है, 1 के रेस्पेक्ट में काम करना है। तो एन क्या हो गया आपका, मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया, एन क्या है आपका, मोल ऑफ सॉल्वेंट हो गया। टोटल मोल्स कितने हो गए, एन प्लस एन। अगर आपको वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने को बोले, किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने को बोले, तो क्या होगा वो आपका मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो मोल ऑफ सॉल्यूट क्या है आपके, एन, और टोटल मोल्स क्या है, एन प्लस एन। ऐसे अगर वो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालने को बोले तो क्या है, मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई टोटल मोल्स, तो एन अपॉन एन प्लस एन हो गया। और जितने भी मोल फ्रैक्शन होते हैं उनका यूनिट का योग कितना होता है, 1 के बराबर होता है। जैसे आपने तो यहाँ अपन 2 ही लिए, अगर आपको 3 दे रखे हों, क्या दे रखे हों, 3 दे रखे हों, जैसे एन ए दे रखा हो, एन बी दे रखा हो और एन सी दे रखा हो, आपको अगर इनके मोल फ्रैक्शन निकालने, जैसे ए का निकालना है तो एक्स से क्या हो जाएगा आपका, एन ए वाई एन टी, और एन टी क्या होगा आपका, एन टी क्या होगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, यही तो होगा आपका एन टी, ठीक है। और ऐसे आप एक्स भी निकाल लेना, और ऐसे आप एक्स सी निकाल लेना, तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सी किसके बराबर होंगे, 1 के बराबर होंगे। क्यों, अपन किसके रेस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, 1 के रेस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो मोल परसेंट लिखा हुआ हो तो आप क्या कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन इंटू 100। अगर आपको जैसे एक्स सॉल्यूट दे रखा हो, एक्स सॉल्यूट दे रखा हो, तो आप उसको किसी तरह ट्रीट कर सकते हो, मोल ऑफ सॉल्यूट की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। एक्स सॉल्यूट लिखा है तो आप इसको मोल ऑफ सॉल्यूट की तरह ट्रीट कर सकते हो। अगर आपका एक्स सॉल्वेंट लिखा है तो आप उसको किसी तरह ट्रीट कर सकते हो, मोल ऑफ सॉल्वेंट की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। जैसे अपन आगे क्वेश्चन भी देखेंगे वहाँ भी आप इसको ऐसे करते देखोगे, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड क्या करनी है आपको, मोलैलिटी फाइंड करनी है, क्या करनी है, मोलैलिटी फाइंड करनी है ऑफ ए एनी वाइज सॉल्यूशन हैविंग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना, 0.2। जब आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, एक्स सॉल्यूट 0.2, मैंने भी बताया था आप मोल फ्रैक्शन को किसकी तरह ट्रीट कर सकते हो, मोल की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, तो एन सॉल्यूट क्या हो गया आपका, 0.2। आप चेक करके भी देख लो कि आपको हो भी रहा है क्या, आपको मोल फ्रैक्शन 0.2 निकालना है, तो आप मोल ऑफ सॉल्यूट 0.2 डिवाइड बाई टोटल मोल्स 0.2 और 0.8 क्या हो गया, 1 इन, तो कितना हो गया, 0.2 तो आ रहा है आपका मोल फ्रैक्शन, तो आपको ये सही है, तो आप इसको मोल की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। तो एक्स सॉल्यूट तो हो गया आपका 0.2, एक्स सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स सॉल्यूट, तो 1 माइनस 0.2 करेंगे, 1 माइनस 0.2 करेंगे तो क्या आएगा आपका, 0.8 आ गया, तो ये क्या आ गया, मोल ऑफ सॉल्वेंट आ गया। तो एन सॉल्वेंट कितना आ गया, मोल ऑफ सॉल्वेंट 0.8 मोल। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट रख दिया, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको क्या दिया हुआ, मोल ऑफ सॉल्वेंट पता चल गए, मोल ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, मोलर मास से। अब सॉल्वेंट क्या होगा, जब आपको एनी वाइज सॉल्यूशन दे रखा है और कोई भी सॉल्वेंट यूज नहीं किया, बताया नहीं है आपको, तो कौन सा यूज करना है आपको, वाटर यूज करना है, वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18 डिवाइड बाई 1000। तो ये फॉर्मूला भी क्या हो गया, जैसे अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज करना है कि आपको मोल फ्रैक्शन दिया हुआ हो, तो 1000 इंटू एक्स सॉल्यूट डिवाइड बाई एक्स सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो यहाँ कितनी आ गई आपकी मोलरिटी, 13.8 m आ चुकी है, ठीक है। आगे चलते हैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट इन 5 m एनी वाइज सॉल्यूशन। 5 m एनी वाइज सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन पता करना है किसका, सॉल्यूट का, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, सॉल्यूशन 5 m एनी वाइज, मैंने बताया था आपको, जहाँ भी ऐसा लिखा आ जाए क्या करो, आपको उसको सिंप्लीफाई करो, कैसे सिंप्लीफाई करोगे, 5 mol/kg, ये मोल क्या होंगे, ये सॉल्यूट के होंगे, किसके होंगे, सॉल्यूट के होंगे, और वेट जो होगा किसका होगा, वो सॉल्वेंट का होगा और सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे आपको तीनों को क्लारीफाई कर लेना है कितने निकल जाए, 5 mol, 5 mol NaOH है तो कितना हो जाएगा, 5 × 40 मतलब 200 ग्राम, सॉल्वेंट कितना हो जाएगा आपका, 1 kg मतलब 1000 ग्राम, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों के मोल निकाल लो, एन सॉल्यूट निकालो, कितना आ रहा है, 200 किसका, 40
फोर्टी, 5 मोल आ ही गया था स्टार्टिंग में, आ गया था वो, तो 5 मोल, 5 डिवाइड बाई 5 प्लस 1000 बाई 18, ठीक है, ये क्या चाहिए आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, सॉरी मोल फ्रैक्शन आ जाएगा किसका, सॉल्यूट, ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ऐसे आपको निकालना है। ये 10000 बाई 18 क्या हो जाएगा, ये मोल हो जाएंगे किसके, सॉल्वेंट के, तो यही तो हो गया आपका मोल इसके सॉल्यूट के डिवाइड बाई टोटल मोल, यही फॉर्मूला तो लगाया अपन ने, टोटल मोल। तो आपको ऐसे क्या निकाल लेना है, मोल फ्रैक्शन निकाल लेना है। ऐसे आपको क्या निकालना है, अगर सॉल्वेंट का निकालना है, सॉल्वेंट का निकालना है तो क्या करना, सॉल्यूट का निकाल लिया, 1 माइनस x सॉल्यूट कर देना, आपको क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जेई में आए हुए हैं, ठीक है, क्यों जेई के क्वेश्चन अपने को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना करोगे आपको उतना कंसेप्ट स्ट्रांग होता है कि हाँ आपका कंसेप्ट यूजफुल है या नहीं है, आप पढ़ रहे हो वो यूजफुल है या नहीं है, ठीक है। तो 8 ग्राम ऑफ NaOH आपको क्या दे दिया, NaOH की अमाउंट दे दिया कितनी, 8 ग्राम, डिजोल्व कर रहे हैं आपको अमाउंट दे दिया NaOH की 8 ग्राम, तो आप बताओ मोल निकाल सकते हो NaOH के, कैसे निकालोगे, 8 ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ NaOH कितना होता है, 40, तो कितने मोल आ गए इसके आपके, 5 मोल, सॉरी 0.2 मोल आ गए, कितने मोल आ जाएंगे, 1/5 मतलब 0.2 मोल आपके NaOH आ गया, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ, वाटर दिया हुआ 18 ग्राम ऑफ H2O, तो वाटर के मोल कितने हो जाएंगे, H2O 18 डिवाइड बाई 18, 1 मोल H2O हो गया, ठीक है। पहले निकालना है आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकालना है, क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कैसे निकालना है, मोल ऑफ NaOH कितना है, 0.2 डिवाइड बाई टोटल मोल्स, टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, 0.2 प्लस 1, तो कितना आ गया ये, 0.2 डिवाइड बाई 1.2, ये आ गया आपका जीरो, ये आ जाएगा आपका 1/6 मतलब 0.167, तो ये तो आ गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। तो ये दो ऑप्शन तो क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, ये दो ऑप्शन तो क्या हो गए आपके, कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं अपन इनमें से कौन सा आता है, ठीक है, मोल एलिटी निकालते हैं। मोल एलिटी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है, NaOH कितने मोल आए थे, 0.2 मोल, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बताया था, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है आपका, H2O कितना वेट दे रहा है, 18 ग्राम, और जब आपको वेट किस में दिया गया हो, वेट किस में दिया गया हो, ग्राम में दिया गया हो, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से, क्यों, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये कितना आ गया, ये 200/18 आ गया, या 100/9 आ गया, तो ये आपका आ जाएगा 11.11, तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया है। आगे चलते हैं, आपको ये दे रखा है, देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन, जेई 2019 का ये ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन है ये, आपको क्या दे रखे है, 20% दे रखा है, मैंने कहीं ना ऐसे दिया जाता है आपको क्वेश्चन में, और निकलवा क्या रहा है वो आपको सो मोल एलिटी निकलवा रहा है, तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या करो इनको इजीली फॉर्म में लिख लो, 20% मास वाई मास का मतलब क्या है, बेसिकली W/W ही है, ठीक है, तो 20 ग्राम / 100 ग्राम × 100, मैंने बोला था इजीली फॉर्म में लिख लो, 20 ग्राम क्या हो जाएगा, ये आपका वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट बोलो कुछ भी बोलो, ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का वेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, सॉल्यूशन का वेट हो जाएगा, तो देखो यहाँ लगाओ, सॉल्यूट कितना हो गया आपका, सॉल्यूट कितना हो गया आपका, 20 ग्राम, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना हो गया आपका, 100 ग्राम, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 100 - 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मतलब 80 ग्राम आपका क्या है, सॉल्वेंट है। आपको क्या निकालनी है, मोल एलिटी निकालनी है, मोल एलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का वेट कितना है, 20 ग्राम, मोलर वेट कितना, मास दिया हुआ है सॉल्यूट क्या किया है, कितना दिया हुआ है, 166 ग्राम डिवाइड बाई क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना, 80, अगर ग्राम में तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, ये देखो क्या आ रहा है, ये आ जाएगा 4 times गया, ये 250 times गया, तो ये आपका आ गया 250/166, तो ये अप्रो 1.51 आ जाएगा, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 1.51 हो गया, ठीक है। और आगे चलते हैं,
आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो, कि द मोल फ्रैक्शन दे रखा है ऑफ ए सॉल्वेंट इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट इज 0.8। मोल फ्रैक्शन किसका दिया हुआ है? सॉल्वेंट का दिया हुआ है। सॉल्यूशन देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है? 0.8। जब आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? क्या करना है? 1 माइनस 0.8 कितना आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? इनका एडिशन 1 के बराबर होता बताया था मैंने, ठीक है। आपको क्या निकालनी है? मोलैलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? मोलैलिटी निकालनी है। तो मैंने बताया था जब आपको मोल सॉल्यूट एक्स सॉल्यूट, इसको किसकी तरह ट्रीट कर सकते हो? एन सॉल्यूट की तरह ट्रीट कर सकते हो नहीं कर सकते? और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को किसकी तरह ट्रीट कर लो? एन सॉल्वेंट की तरह ट्रीट कर लो, मोल ऑफ सॉल्वेंट की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो एन सॉल्यूट मोल कितने हो गए आपने, कितने हो गए? 0.2। मोल एलिटी के लिए क्या आता है? वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो मोल कितने आ गए इसके? 0.2, 0.8 सॉल्वेंट के इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर आपको एक्वस सॉल्यूशन बोला हुआ है, मतलब वाटर का, तो 18 ग्राम में आएगा ये। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। तो ये कितने टाइम्स गया? 4 टाइम्स। ये कितने टाइम्स गया? 250 टाइम्स। तो क्या आ गया आपका? 250/18। तो ये आपका आएगा 13.88। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। देखा कितना इजी क्वेश्चन आता है, आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। पहले क्या करना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल लिए। अपने को पता है मोल फ्रैक्शन को अपन किसी तरह ट्रीट कर सकते हैं? मोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन मोल को अपन मोल फ्रैक्शन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। मोल फ्रैक्शन को मोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन मोल को मोल फ्रैक्शन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना है, ठीक है। मोल से अपने को मोल फ्रैक्शन निकालना ही पड़ेगा उस फॉर्मूला से, मोल अपॉन टोटल मोल से, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आपने मोल एलिटी निकाल ली है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको मोल एलिटी एंड मोल एलिटी निकालना अच्छे से सिखाया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये दिया हुआ है, द मोलरिटी ऑफ एच एन ओ थ्री इन ए सैम्पल विच है डेंसिटी 1.4 ग्राम ml एंड मास परसेंटेज ऑफ 63%। मास परसेंटेज दे दिया, मतलब ये क्या बोल रहा है? बेसिकली 63% WyW ही बोल रहा है। मास परसेंटेज का मतलब क्या है? 63% WyW। इजीली फॉर्म में लिख लो इसको, 63 ग्राम वाई 100 ग्राम इंटू 100। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो सॉल्यूट कितना हो जाएगा आपका? सॉल्वेंट कितना हो जाएगा और सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? करो चेक। सॉल्यूट कितना हो जाएगा आपका? 63 ग्राम। सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। आपको निकालनी क्या है? मोल रेटी। तो आपको सॉल्वेंट से काम नहीं है, बट काम किससे? वॉल्यूम से। आपको डेंसिटी दी गई हुई है। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। चाहिए क्या आपको? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका? 100 डिवाइड बाई 1.4 ml। ये आपका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 बाई 1.4। ये कितना आएगा कैलकुलेट करके देख लो, कितना आएगा ये 100 बाई 1.4? ये आपका ऑलमोस्ट कितना आता है कैलकुलेट करके देखो, ठीक है। ये आपका जाएगा, आपको निकालनी क्या है? मोलरिटी निकालनी है। तो क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट। तो इसके मोल कितने हो जाएंगे? 63 ग्राम दिया हुआ है। सॉल्यूट क्या है आपका? HNO3 का कितना दिया हुआ है? 63। तो ये तो आपको हो गया मोल। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? यही हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 1.4। 100 डिवाइड बाई 1.4 आपका क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा। तो ये कितना आएगा? ऑलमोस्ट आएगा ये आपका 71.43 आएगा, ये 71.43, ठीक है। तो 71.43 ml में आएगा ये। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन? 1000 से, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है आपका आंसर। ये आपका आएगा 1000 डिवाइड बाई 71.43। ये आपका आएगा ऑलमोस्ट 13.99। ऑलमोस्ट क्या हो गया? 14। तो आपका आंसर क्या देना है? 14 आंसर देना है। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? 14, ठीक है। आगे चलते हैं। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो क्या आंसर है इसका। सॉल्यूशन देखो, 10.30 मिलीग्राम ऑफ O2 डिजॉल्व इन ए लीटर ऑफ सी वाटर ऑफ डेंसिटी द कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन PPM। PPM में अपन ने को कंसंट्रेशन बतानी है। PPM का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने बताया बेसिकली अपन क्या यूज करते हैं? WyW से ही PPM देते हैं, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन
इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, अब वेट ऑफ सॉल्यूट किस में ले रहे हो, ग्राम में ले लेंगे अपन। 10.30 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, 10.30 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ग्राम हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन। आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1 लीटर, मतलब 1000 ml। तो आप इसका वो बताओ कैसे निकालोगे, आप मास कैसे निकालोगे, मास क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो 1000 इंटू 1.03, तो क्या हो जाएगा ये 1030। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। करो क्या आ रहा है इसको, दो, तो ये आपका जाएगा 10 ppm। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 10 ppm। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया, कंसंट्रेशन टर्म्स हो गए आपके तीनों, परसेंट कैलकुलेशन, मोल फ्रैक्शन एंड क्या ppn एंड bpb, इनके अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर चुके हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।